बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान ने कहा कि ना ही उनका और ना ही इस फिल्म से जुड़े लोगों का इरादा इस फिल्म को बेचने के लिए इसमें अनुचित चीजों का उपयोग करने का था। दरअसल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC द्वारा उनकी आगामी फिल्म जब हैरी मेट सेजल के एक ट्रेलर वीडियो में इंटरकोर्स शब्द का उपयोग पर आपत्ति जताई गई थी। इस पूरे मामले में किंग खान के क्या विचार हैं, पूछे जाने पर शाहरुख ने यहाँ ईद के मौके पर मीडिया से हंसते हुए कहा, मैं तो यार 18 से छोटा हूँ तो वोट नहीं कर सकता। यार ये महकमे हैं, आई थिंक जो भी बोर्ड्स हैं हमको बता देंगे, वो डायरेक्टिव दे देंगे। जब फिल्म आएगी, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, तो आई होप जब फिल्म वो पूरी देखेंगे, आई मीन टू बी रियली ऑनेस्ट आई डोंट नीड टू से दिस बट इम्तियाज अली, माई सेल्फ, अनुष्का, रेड चिलीज, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस फिल्म में, प्रीतम, राइटर्स, इशाद कामिल साहब, आई थिंक हमने कभी भी कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात फैमिलीज़ के लिए या कोई ऐसी बदतमीजी करने की हमें ज़रूरत नहीं अपनी फिल्मों में उनको चलाने के लिए। सो होपफुली एवरीबडी विल सी इट व्हेन द फिल्म इज़, अभी तो सेंसर के लिए गई नहीं, जब वो पूरी फिल्म को देखेंगे मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ बातें उनको ठीक नहीं लग रही, और अगर नहीं लग रही तो हम उसको चेंज कर देंगे, बट आई थिंक जब पूरा फिल्म देखेंगे सो दे विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित इस फिल्म के कुछ मिनट के एक ट्रेलर वीडियो में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अभिनेता शाहरुख खान से कह रही हैं कि यदि प्रेम जोड़ा यौन संबंध बनाना बंद करते हैं तो इसके लिए किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना होगा। फिल्म का ये डायलॉग CBFC के अध्यक्ष पहलाज नेलानी को ठीक नहीं लगा और उन्होंने फिल्म के इस कुछ मिनट के ट्रेलर को प्रसारण की निंदा करते हुए कहा था कि इसको देखने का मतलब केवल डिजिटल का उपभोग करना है। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म जब हैरी मेट सेजल सिनेमाघरों में 4 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। INS रिपोर्ट।